चंबा से छतराड़ी रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा को बहाल करने की ग्रामीणों ने मांग उठाई है। इस मांग को लेकर ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान महंदो राम की अगुवाई में उपायुक्त चंबा डीसी राणा से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से अवगत करवाते हुए प्रधान ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व चंबा से छतराड़ी के लिए चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा को बंद कर दिया गया है। बस सेवा के बंद होने से ग्रामीणों को आवाजाही में रोजाना दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हालात यह हैं कि लोग निजी बस में सफर करने को मजबूर हो गए हैं, साथ ही ओवरलोडिंग होने के कारण हर समय हादसे का खतरा भी बना रहता है। इससे पूर्व भी बस सेवा को बहाल करने की मांग कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों ने छतराड़ी पंचायत में वन निगम के बंद पड़े लकड़ी के डिपो को खोलने की मांग भी उठाई। इस मौके पर संजीव, रेशमा, बिंदु, सपना, मधु, कांता आदि मौजूद रहे। और साथ में जो हमारी की जो बस है, रूट है, पहले से बहाल है, लेकिन 1.5-2 सालों से वो बंद पड़ी हुई है। लेडियों को जितनी सरकार सहूलतें दे रही हैं वे बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। आज सभी इकट्ठे हुए महिला मंडल के, महिला ग्रुप के, स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं, ये प्रधान हैं, मेंबर हैं, और हम प्रधान ग्राम प्रधानी जिस साहब से मिले और उसने अपनी बस की समस्या और को बताया। और एक समस्या और थी हमारी, जो हमारी वन निगम का जो डिपो है वो 3-4 साल पहले चला रहा था, उन्हें लकड़ी मिलती थी, लेकिन कर्मचारी रिटायर होने के बाद तो वह नहीं लकड़ी है और नहीं कर्मचारी है, इसलिए हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हाल में अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं है, इसलिए हमने डी साहब से मुलाकात की, उन्होंने लेटर फॉरवर्ड कर दिया है और आप वहाँ जाएंगे, अब देखते हैं क्या बनते हैं। बस की समस्या की बात करेंगे, क्या अभी तक उस रूट पे कोई बस नहीं चल रही या फिर उस समय के पर कोई बस नहीं चल रही क्या? उस समय से बस नहीं चल रही है, जो रूट था हमारा उस समय से बस नहीं चल रही है, और प्राइवेट बस चल जाती है उसमें कम से कम आज भी 70-75 सवारियां बैठी हुई थी, अगर कहीं मिस हैपेंड हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। बस न चलने से किस प्रकार की दिक्कतें पेश आ रही हैं, चाहे स्कूली बच्चों की बात हो या फिर सरकारी पेशा लोगों की बात, सभी की मुश्किलें करें, खासकर महिलाओं को जो सरकार ने आधे सवारी देती है उनको बहुत दिक्कतें हो रही है ना। कोरोना महामारी से पहले ये बस चल रही थी जी जी, उसके बाद बंद, जी जी, सिर्फ 2 दिन आई उसके बाद। एक बार पीछे हम आए थे तो एसडीएम साहब थे हमारे, वो जो कांगड़ा ट्रांसफर हो गए हैं, तो उन्होंने उस टाइम फोन किया, हमारे पंचायत सदस्य सभी थे, उपप्रधान थे, वार्ड सदस्य थे, तो उन्होंने आरएम को फोन किया और दूसरे दिन उन्होंने बस भेज दी। 3-4 दिन बस चली, फिर एसडीएम साहब ट्रांसफर हो गए तो उन्होंने बस ही बंद कर दी आज तक, और हमने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की है, लेकिन हम कहते हैं कि सवारी नहीं बैठती, जब सवारी 2 दिन में बस भेजेंगे तो सवारी कहाँ बैठेंगी, लगातार कम से कम महीना भेजो तब बस में सवारी बैठेंगे, सब लोगों को पता लगे, और कनेक्टर लोग जो होते हैं ना वो भी करते हैं सेटअप, तो सवारी की टिकनी काटनी है, सब कुछ करना है, तो समस्या हुई। यदि समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों का क्या अगला रुख रहेगा? आगे फिर देखते हैं और वो देखेगा, प्रज्ञापन देंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन भी होगा हमारा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।